गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिलेश कांगो है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जावा सर्वलेट हिंदी सीरीज में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था एचटीटीपी सर्वलेट क्लास के बारे में। एचटीटीपी सर्वलेट क्लास क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको इसके पार्ट वन यानी पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने दी थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम यह समझेंगे कि किस प्रकार हमारी नॉर्मल जावा क्लास को हम एज अ सर्वलेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं एचटीटीपी सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करके। इसका एक थ्योरिटिकल पोर्शन पहले मैं आपको समझा दूं, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पोर्शन समझाऊंगा। ओके, अगर मैं बात करूं प्रोग्राम के बारे में प्रैक्टिकली किस प्रकार से हम हमारी सर्वलेट क्लास को किसी नॉर्मल जावा प्रोग्राम को सर्वलेट बना सकते हैं एचटीटीपी सर्वलेट क्लास के द्वारा, तो सबसे पहले मैं क्लाइंट साइड का एक छोटा सा हिस्सा बनाना चाहता हूं। ओके, तो समझे आप बात को किस प्रकार से हम ये काम कर सकते हैं। पहले मैं क्लाइंट साइड के लिए एक छोटा सा पोर्शन बना रहा हूं। ये बहुत सिंपल सरल पोर्शन है जो आप अभी तक देखते आए हैं। ये यूआई मैं डिजाइन करूंगा यहां पर सबसे पहले, एंड ये हमारी फाइल है ui.html नाम से ये फाइल बनेगी। ओके, सिंपल। इस सिंपल यूआई में हम लेंगे क्या, हम बनाएंगे सिंपल एक फॉर्म। ओके, नेम, और उसके साथ हम बनाएंगे सरनेम। सिंपल फॉर्म, नेम, सरनेम। ओके, सिंपल। और इसके साथ हम बनाएंगे एक सबमिट बटन जो इस डेटा को सबमिट करेगा, और एक कैंसिल बटन। ओके, इस प्रकार से यहां पर हम कुछ डेटा लिख सकते हैं कि इंटर नेम। ओके, और यहां पर हम लिख सकते हैं सरनेम, इस प्रकार से। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का, ये जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया हमने, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम, इसका नाम है N1। ओके, और इस वाले का नाम है S1। इसका नाम क्या है, S1। ओके, और ये जो पूरा का पूरा यूआई है ये एक फॉर्म के द्वारा मैंने बनाया है। किसके द्वारा बनाया है, फॉर्म के द्वारा। तो मैं यहां पर एक छोटा सा फॉर्म का हिस्सा आपको लिख के बता रहा हूं। तो यहां पर आ जाएगा फॉर्म, देन फॉर्म के अंदर आएगा एक्शन कि आपको कहां जाना है। ओके, तो मैं थोड़ा सा पोर्शन यहां एक्शन में खाली छोड़ता हूं, है ना। और यहां पर एचटीटीपी सर्वलेट की जब बात आती है तो यहां पर एक मेथड करके प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाएगी। अभी तक हमने मेथड प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया था, लेकिन अब हम यहां पर मेथड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब मेथड में क्या आएगा वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओके, और यहां पर इस फॉर्म को हम बंद कर देंगे यहां पर। तो यहां पर हम इस फॉर्म को क्लोज कर देंगे इस प्रकार से। तो ये आपका एक यूआई बन जाएगा। यहां पर क्या लिखना है हमको, यहां पर लिखना है सबमिट। क्या लिखना है, सबमिट, और नीचे वाले में क्या लिखना है हमको, कैंसिल। ये कोई भी फॉर्म हम बना सकते हैं, एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आप इस प्रकार से ये फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। ये हमने बेसिक यूआई डिजाइन किया है। तो सिमिलरली जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर जो भी डेटा देंगे, मान लीजिए आपने यहां पे जो डेटा दिया, मान लीजिए यहां पर दिया आपने अखिल। ओके, और यहां पर आपने दिया शर्मा। ओके, सिंपल नेम एंड सरनेम। क्या दिया आपने, यहां पर आपने दिया अखिल। ओके, और आपने दिया शर्मा, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो भी डेटा आपने यहां पर दिया है, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे एज अ रिक्वेस्ट जनरेट होगी, मैंने आपको बता दें सेक्शन से,
और रिक्वेस्ट जनरेट होगी और ये डेटा कहाँ पहुंचेगा, ये डेटा पहुंचेगा सर्वर साइड पर। ये मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ ये कहानी, बिकॉज क्योंकि मुझे एक्चुअल में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है, क्या कोई फर्क तो नहीं है, ये छोटा सा पोर्शन हमको यहाँ पर समझना है बस और कुछ नहीं। ओके सो यहाँ पर सर्वर पर ये रिक्वेस्ट जाएगी, यानी यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी और वो रिक्वेस्ट वेब ब्राउजर के द्वारा कहाँ पहुंचेगी, वो रिक्वेस्ट पहुंचेगी सर्वर पर। रिक्वेस्ट का पैटर्न क्या होगा वो मैं आपको सारा समझा चुका हूँ, मैं उन सब में नहीं जा रहा हूँ आज, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी और ये पहुंचेगी सीधे सर्वर पर, कोई सर्वर हमारे पास है और सर्वर पर होगा सिमिलरली वेब कंटेनर, मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी, तो मैं ये भी आपको बता चुका हूँ। ओके तो यहाँ पर होगा वेब कंटेनर, इस वेब कंटेनर के अंदर होगी कोई ना कोई एप्लीकेशन, है ना, इस वेब कंटेनर के अंदर क्या होगी, कोई एप्लीकेशन होगी, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन यहाँ पर है ना, और इस एप्लीकेशन का कोई नाम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल छोटा सा नाम यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे नाम दिया मैंने इस HTTP डेमो, दैट इज माई सिंपल एप्लीकेशन। ओके और इस एप्लीकेशन के अंदर होंगे सर्वलेट, इस एप्लीकेशन के अंदर हमारा सर्वलेट होगा। ओके सो इस एप्लीकेशन के अंदर हमारा क्या होगा, सर्वलेट प्रोग्राम होगा। तो ऐसे एक नहीं, कई सारे सर्वलेट हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर हो सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको, ऐसे कई सारे सर्वलेट यहां पर हो सकते हैं। तो इस रिक्वेस्ट के थ्रू हमको पता चलेगा कि आपको कौन से सर्वलेट को कॉल करना है। तो मान लीजिए ये सारी कहानी हो गई और आपने किसी पर्टिकुलर जो वेब कंटेनर है उसने किसी पर्टिकुलर सर्वलेट को, मान लीजिए कि ये वो सर्वलेट है जिसको उसने कॉल किया, ये वाला सर्वलेट है आपका जिसको उसने कॉल किया। ओके उसको उसने लोड किया और पूरा प्रोसेस किया। अब ये जो सर्वलेट क्लास है इसको हमको डेवलप करना है, क्योंकि हमको पता है कि यहां से जब भी हम सबमिट करेंगे ये वाला हमको कॉल करना है, ये वाला एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम सर्वर साइड पर। तो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये सर्वर बनाएंगे, ये सर्वलेट बनाएंगे सॉरी। तो ये सर्वलेट डिजाइन करने के लिए अब मैं इसका सेकंड स्टेप आपको बता रहा हूं। देखिए ये सर्वर साइड की जो प्रोसेस है ये मैं पिछले वीडियोस में कई बार समझा चुका हूं, तो मैं सीधा आ रहा हूं सर्वलेट कैसे तैयार करेंगे। ओके सो पहले मैं इसको सेव कर लूं बिकॉज इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी। तो यहां पर मैंने बोला HT1 नाम से, इसको मैं सेव कर देता हूं। नाउ यहां पर मैं एक नया क्लास बना रहा हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं कैसे नॉर्मल जावा प्रोग्राम को सर्वलेट बनाऊंगा, सर्वलेट की तरह यूज करूंगा। सो मुझे यहां लेना है क्लास और क्लास का नाम है मान लीजिए माय सर्वलेट सिंपल। ये जो क्लास है इसको हम सर्वलेट बनाएंगे बाय एक्सटेंडिंग HTTP सर्वलेट। मैंने HTTP सर्वलेट के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में सारी कहानी समझा दी है कि कौन से पैकेज में है, कौन सी क्लास को इसने एक्सटेंड किया हुआ है। इसने एक्सटेंड किया हुआ है जेनेरिक सर्वलेट क्लास को और उस क्लास की जो मेथड बची थी सर्विस मेथड उसको इसने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया है। ओके मतलब ये जो क्लास है HTTP सर्वलेट ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है पर इसके पास कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। अब होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, जब आपके पास में कोई रिक्वेस्ट आती है, किसके पास में, आपके वेब कंटेनर के पास जब कोई रिक्वेस्ट आती है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये काम करता है। तो अभी हम पहले डेवलप कर लें इसको। सो माय सर्वलेट एक्सटेंड HTTP सर्वलेट, इसके पास में जो मेथड्स हैं वो नहीं है। कौन सी वाली, जो मेथड्स आपके पास आपने देखी थी कौन सी 5 मेथड्स, वो सारी मेथड्स यहाँ पर नहीं है। उन मेथड्स को रिप्लेस किया है, यानी उस एक्चुअल में देखिए हिराकी जो बोल रही है इस पूरे प्रोग्राम की, या पूरी हिराकी जो हमने समझी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हिराकी बोल रही है वो हिराकी ये बोल रही है कि हमारे पास था शुरुआत में एक सर्वलेट इंटरफेस, है ना, एक इंटरफेस था जिसका नाम क्या था, सर्वलेट इंटरफेस। इस सर्वलेट इंटरफेस के पास थी 5 मेथड्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कौन कौन सी मेथड्स है वो भी हम सारा जानते हैं, ठीक है। इस सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था जेनेरिक सर्वलेट क्लास ने, ये भी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। कौन सी क्लास थी, जेनेरिक सर्वलेट क्लास, ये भी आपको अच्छे से पता है। इसने इस सर्वलेट इंटरफेस को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब इसकी 5 मेथड्स में इसने 4 को इम्प्लीमेंटेशन दिया और एक सर्विस मेथड इसने यहां पर खाली छोड़ दी थी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक मेथड यहां पर खाली छोड़ी थी, दैट मेथड इज सर्विस मेथड। ओके अब जेनेरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड किया किसने,
जेनेरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड किया एचटीटीपी सर्वलेट क्लास ने, इस क्लास ने जो हमारे पास क्लास है एचटीटीपी, जो भी क्लास हमारे पास है एचटीटीपी सर्वलेट, इस क्लास ने एक्सटेंड किया किसको, जेनेरिक सर्वलेट क्लास को. ओके, दैट मीन्स इसने इस सर्विस मेथड को इंप्लीमेंटेशन दे दी. ओके, अब जब क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आती और जब क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आने पर, जब क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आती है और जब वेब कंटेनर उस रिक्वेस्ट को पहचान कर एचटीटीपी सर्वलेट वाली से बनी हुई जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो कॉल सर्विस को ही करता है. वो कॉल किसको करता है, सर्विस मेथड को ही वो कॉल करता है. लेकिन सर्विस मेथड, चूंकि यहां पर जो सर्विस मेथड है वो सर्विस मेथड यहां पर इसने इंप्लीमेंटेशन दे दिया और सर्विस मेथड के द्वारा पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के आधार पर, पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के आधार पर दो दूसरी मेथड्स को कॉल किया जाता है. वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो यहां पर वो दूसरी मेथड्स कौन सी है, इस HTTP सर्वलेट क्लास की अपनी कुछ मेथड्स यहां पर है जो सर्विस मेथड के द्वारा यहां पर कॉल होंगी डायरेक्टली. वो मेथड्स कौन सी है, एक मेथड का नाम है डू गेट मेथड, जो जरूरी है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और एक मेथड का नाम है डू पोस्ट मेथड. सो बेसिकली आप जो कोडिंग करेंगे वो कोडिंग या तो डू गेट में करेंगे या डू पोस्ट में करेंगे. तो सर ये कैसे डिसाइड होगा कि हमको डू गेट में कोडिंग करना है या डू पोस्ट में कोडिंग करना है, ये डिसाइड होगा आपके रिक्वेस्ट के आधार पर. या ये कैसे डिसाइड होगा कि कंटेनर कौन सी मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, डू गेट को करेगा या डू पोस्ट को करेगा, वो रिक्वेस्ट को पहचानेगा. जब पहली बार उसके पास रिक्वेस्ट आएगी उस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाइड करेगा और उस रिक्वेस्ट को समझेगा कि कौन सी मेथड को हमको यहां पर कॉल करना है, यानी गेट को करना है पोस्ट को करना है. ये रिक्वेस्ट का टाइप होता है गेट और पोस्ट. ओके, दो प्रकार के रिक्वेस्ट टाइप है, गेट या गेट रिक्वेस्ट या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट. दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा. ओके, तो आप ध्यान से समझे बात को. ये आप कहां बताएंगे कि हमको गेट को, गेट में कोड लिखना है या पोस्ट में कोड लिखना है, ये हम बताते हैं हमारे, अब आपको पता चलेगा हमने यहां पर यहां मेथड का एक प्रॉपर्टी लिया था. इस प्रॉपर्टी के अंदर आप अपनी कोई भी जो भी पर्टिकुलर मेथड का नाम है वो आप लिख सकते हैं. तो मान लीजिए कि मैंने यहां पर अगर पोस्ट लिखा, मेथड का नाम क्या दिया, पोस्ट, तो रिक्वेस्ट के साथ इस कंटेनर को ये गया है कि भैया इस सर्वलेट को एग्जीक्यूट करो और इस सर्वलेट की पोस्ट मेथड को कॉल करना है, सर्विस में से पोस्ट को कॉल करना है. अगर मैं यहां पर पोस्ट की जगह गेट लिखता तो यहां पर सर्विस में से गेट मेथड एग्जीक्यूट होती, यानी कि हम कोडिंग दोनों जगह पर लिख सकते हैं. यानी आप सर्विस में भी कोडिंग लिख सकते हैं, मतलब गेट डू गेट में भी लिख सकते हैं और आप कोडिंग लिख सकते हैं डू पोस्ट में भी. तो जो भी आपका जो भी मन हो वो आप कर सकते हैं. तो यहां पर देखें माय सर्वलेट ने एक्सटेंड किया एचटीटीपी सर्वलेट को. अब यहां पर सिंपली आपको मेथड बनानी है, आपको नहीं बनानी पड़ती है, मेथड बनी बनाई आपके सामने आती है. तो यहां पर आएगा पब्लिक वॉइड डू गेट, दो मेथड. ओके, एक मेथड ये हो गई आपकी, इसके अंदर सर्विस मेथड वाले ही दो आर्गुमेंट, बस अंतर इतना है वहां पे सर्वलेट रिक्वेस्ट था, यहां पर एचटीटीपी सर्वलेट हो जाएगा. सो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट आरईक्यू कॉमा एचटीटीपी सर्वलेट सर्वलेट रिस्पॉन्स आरईएस, इस प्रकार से ये इस प्रकार से आपका कोड बनेगा डू गेट मेथड का. और इसके अंदर आप कोडिंग करेंगे, जो भी पर्टिकुलर कोडिंग आपको करनी है वो कोडिंग आप करेंगे या इस मेथड के अंदर. सिमिलरली यहां पर अब आएगा आपका, सिमिलरली यहां पर आएगा पब्लिक वॉइड डू पोस्ट, मेथड का नाम क्या है डू पोस्ट. और यहां पर भी आपको देना है वही दो आर्गुमेंट, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट आरईक्यू कॉमा एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स आरईएस. ओके, इस प्रकार से. और यहां पर भी आप
कोडिंग कर सकते हैं, यानी हम कोडिंग दोनों जगह पर कर सकते हैं। ओके इस प्रकार से, तो यहां पर है ये आपको इस प्रकार से क्लास बनानी है। तो आपकी जो क्लास है वो एक्सटेंड करेगी स्टडी पे सर्वलेट को, और रिक्वेस्ट के प्रकार के आधार पर, जिस प्रकार की भी रिक्वेस्ट आपने दी है उस रिक्वेस्ट के प्रकार के आधार पर, यहां से जैसे इस प्रकार से यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, अब ये रिक्वेस्ट यहां पर जाएगी, वेब कंटेनर सर्विस को कॉल करेगा और इस पोस्ट को देखते हुए वो कॉल करेगा डू पोस्ट को, न कि डू गेट को। तो डू पोस्ट में लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके तो ये इस प्रकार से आपका पूरा प्रोसेस चलता है। इसके बाद आपको बनानी है, जब आप ये नंबर सेकंड स्टेप कर लेंगे, फिर आपको बनाना है यहां पर XML जो बनानी है, web.xml फाइल, वो आपको डेवलप करनी है। सिमिलर आपको इस सर्वलेट की मैपिंग करनी है, और सर्वलेट की मैपिंग करके आपको प्रोग्राम बनाना है। ओके सो इसका प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसको पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। ओके तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं आपको कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके सो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर था, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।